क्या नीतीश होंगे एनडीए में शामिल? बिहार में क्यों उठा नीतीश पर ऐसा गुबार? अमित शाह और तेजस्वी के क्या बदले तेवर? कड़ाके की ठंड तो है, लेकिन बिहार का सियासी पारा काफी गर्म होता दिख रहा है। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा फिलहाल पूरी तरह से फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन इंडिया गठबंधन की मुख्य कड़ी नीतीश कुमार पर ही अब सवाल उठने लगे हैं। पिछले दो चार दिनों में बिहार में बेहद हलचल है, जिसकी धुरी अमित शाह, खुद नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव हैं। बिहार में यह गुबार उठ रहा है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए अमित शाह की झंझारपुर रैली को आधार बनाया जा रहा है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह ने ये तो कहा था कि नीतीश कुमार के लिए एनडीए के दरवाजे बंद हो चुके हैं। साथ ही ये भी कह डाला था कि अगर नीतीश कुमार की तरफ से ऐसा कोई प्रस्ताव आता है तो उस पर विचार किया जाएगा। इतना ही नहीं, राजस्थान पत्रिका के एक इंटरव्यू में जब अमित शाह से सवाल किया गया था कि जो भी पुराने साथी एनडीए छोड़कर चले गए हैं उनमें नीतीश कुमार भी हैं, अगर वो वापस आना चाहें तो वो क्या करेंगे, इस सवाल के जवाब में अमित शाह ने कहा था कि किसी का प्रस्ताव होता है तो विचार किया जाएगा। यानी कि अमित शाह ने इशारों ही इशारों में ये कह दिया है कि नीतीश कुमार को वो वापस एनडीए में ले सकते हैं। वहीं इस बारे में जब बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से सवाल किया गया तो उन्होंने इस बात से इनकार तो किया, साथ ही मीडिया पर ही गुस्से से भड़क उठे। इस पूरे मामले पर तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आप एक एक हम आपसे पूछना चाहते हैं महोदय, आपके चैनल से पूछना चाहते हैं कि बीजेपी कितना सीट पे बिहार में चुनाव लड़ रही है, एनडीए में क्या सीट शेयरिंग तय हो चुका है, आप बताइए ना भाई। तो आपकी चिंता यहाँ क्यों होती है, वहाँ क्यों नहीं होती है भाई? तो आप अरे आप वो हमारे बीच की बात है ना, हम लोग सब लोग सम्मानजनक सीटों पर लड़ेंगे। जदयू लड़ेगी जहाँ वहाँ आरजेडी भी लड़ रही है, मतलब समझ रहे हैं, हम जदयू के साथ है, जदयू हमारे साथ है मजबूती के साथ। ये महागठबंधन चुनाव लड़ेगा, कोई पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी, और नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग जो है काम कर रहे हैं। तो आप लोग बड़ा ऑफर मिला है नीतीश कुमार को, कुछ भी हो, अरे भैया आप लोग बहुत जानकार हैं, क्या ऑफर है ये बता दीजिए, नहीं बता दीजिए, आप ही लोग को बता के खोले होंगे, पूछ करके खोले। ये आप लोगों का काम है, आप लोग जो है अलग अलग विषय पे चलाते रहिए, व्यू पाते रहिए। अब मीडिया पर तेजस्वी यादव भले ही अपना गुस्सा उतार चुके हैं, लेकिन गुरुवार की शाम जब ऐसी खबरें उठी तब तेजस्वी यादव अपने पिता और आरजेडी चीफ लालू यादव के साथ नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे थे। हालांकि इन लोगों के बीच क्या बातें हुई ये फिलहाल सामने नहीं आया, लेकिन उस वक्त भी तेजस्वी यादव ने इतना जरूर कहा था कि जेडीयू आरजेडी के साथ है और आरजेडी जेडीयू के साथ। फिर भी चर्चा इस बात पर तेज है कि जिस तरह से अमित शाह और नीतीश कुमार के तेवर बदले दिख रहे हैं वो बिहार की राजनीति में उथल पुथल वाले संकेत दे रहे हैं। बहरहाल नीतीश कुमार एनडीए में जाएंगे या केवल बिहार में चर्चाओं का गुबार है फिलहाल क्लियर नहीं है। फिर भी ये कहा जाता है कि बिहार की राजनीति सबके समझ के बाहर है, ऐसे में इन चर्चाओं को हल्के में भी नहीं लिया जा सकता है। इस खबर में बस इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।